कहना मेरा साडा तो मतलब मैं तो जदों भी कोई इदा की घटना होंगी है जेल च होंगी है ज कोई बहर भी होंगी है तो बखूबी मैं तो ट्वीट करके भी आपकी प्रतिक्रिया थोड़े सामने रख ही दिना, परंतु ये कहना भी जेलों के कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल जो जेलों का प्रशासन का जो प्रबंध है सारा दोषियों के हाथों के है। जे थानू तुम वेखी हो मेरे ख्याल लॉरेंस की एक फोटो वायरल हुई है पिछे जे बैड के उत्ते पै मेरा ख्याल मैं कोई आप घर वधिया मेहमान नूं नहीं इस तरह का प्रबंध करके देंदे जिसने तीन फोन वो रियाई के उत्ते पे ने जेल के कमरे की खिड़की नाल दिखाई हुई यार वो तो इस चीज़ को दिखा रहे हैं लोगों को एक हाइप क्रिएट करने के बारे असी इस तरह जिदा तुम एक कैप्शन होर भी देखी थी फरीदकोट जेल च पई सी जो लिखा कि सरकार के जवाई तो वह गल फोटो वेख के चीज़ों सिद्ध भी होंगी भी वाकई सही कह रहे हैं वो उन्हों को इन्नी फैसिलिटीज हैगी है वो उतो पूरा अपना जरा काली कमाई का जो सिस्टम है वो बड़ी कामयाबी के नाल चला रहे हैं। तो ये असं भी किमें कह रही भी साड़ियाँ सरकार की मिली भुगत नहीं, इन्होंने सब कुछ चोर के नाल कुत्ती रली हुई है, कोई दो रहे सिद्धू केस की जी पेशी की होगी सारे बंदे डीसी राही पेश हो गए तो अगली जी डेट है वह 5 जनवरी पई है तो चार्ज फ्रेम होने की सूँ इतकी उम्मीद सी परंतु फिर एप्लीकेशन वगैरह कुछ होर लगे ने तो उन्होंने जवाब तो बाद भी अगली डेट के उत्ते संभावना हैगी। अगली की कहोगे हर बार निराश होकर मुड़ना पैंता हर बार तरीक की तरीक पै रही है जी फिर बेटा को अदालत का अपना प्रोसैस है ना जिदा किसी राइट है वह उत्ते ऑब्जेक्शन ला सकते हैं जो आप चार्ज फ्रेम करने हैं तो वो आपके कानूनी दायरे च रेंदे हुए है ना कोई ना कोई एप्लीकेशन लाने तो फिर अदालत में भी उसकी सुनवाई करनी पैंदी है। अगर राजा पड़िंग ने बयान दिता है कहते चोणों के लिए असी तैयार हाँ तो टिकट देने भी तैयार हाँ तो की कहना बेटा हले समय तो पहले ने गल इस पक्ष से हले कदे ना परिवार बह के असं कदे कोई गल ही नहीं की और ना ही मैं हले तक कोई इदा की खबर सुनी है तो हले टाइम पै है ना जो कुछ समा आऊगा वेखा उदो जहाँ जहाँ कोई माहौल होगा। ठीक है कहना मेरा साडा तो मतलब मैं तो जदों भी कोई इदा की घटना होंगी है जेल च होंगी है ज कोई बहर भी होंगी है तो बखूबी मैं तो ट्वीट करके भी आपकी प्रतिक्रिया थोड़े सामने रख ही दिना, परंतु ये कहना भी जेलों के कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल जो जेलों का प्रशासन का जो प्रबंध है सारा दोषियों के हाथों के है। जे थानू तुम वेखी हो मेरा ख्याल लॉरेंस की एक फोटो वायरल हुई है पिछे जे बैड के उत्ते पै मेरा ख्याल मैं कोई आप घर वधिया मेहमान नूं नहीं इस तरह का प्रबंध करके देंदे जिसने तीन फोन वो रियाई के उत्ते पे ने जेल के कमरे की खिड़की नाल दिखाई हुई यार वो तो इस चीज़ को दिखा रहे हैं लोगों को एक हाइप क्रिएट करने के बारे असी इस तरह जिदा तुम एक कैप्शन होर भी देखी थी फरीदकोट जेल च पई सी जो लिखा कि सरकार के जवाई तो वह गल फोटो वेख के चीज़ों सिद्ध भी होंगी भी वाकई सही कह रहे हैं वो उन्हों को इन्नी फैसिलिटीज हैगी है वो उतो पूरा अपना जरा काली कमाई का जो सिस्टम है वो बड़ी कामयाबी के नाल चला रहे हैं। तो ये असी भी किमें कह रही भी साड़ियाँ सरकार की मिली भुगत नहीं, इन्होंने सब कुछ चोर के नाल कुत्ती रली हुई है, कोई दो रहे गलबात बेटा कुछ नहीं बनया लो जरा इन्होंने नोटिस रेड कॉर्नर जारी किया तो उस तो बाद कोई अपडेट नहीं, रोज़ अधिकारियों को मिलते रहने तो उस तो बाद कोई खास अपडेट नहीं हैगी जी मैं तुम दस सकता। भाई जिस तरह जो जगतार या कन्वर है जो बंदे एफ आई आर से दोबारा बाद ऐड कराए गए थे उन्होंने तो रेड कॉर्नर की भी जरूरत नहीं है, वो टूरिस्ट वीजे से गए हुए हैं बिल्कुल जी जिम्मे सही कहा क्योंकि वह तो विजिटर वीजे से गए हुए हैं उ कोई स्टडी वीजे पर गया हुआ है, कोई ये नहीं है कोई वह उतो जाके लभने पैणगे, परंतु इन्ना ढिला मठा रवैया क्यों है ये बारे तो हूँ अदालत दसे जो सरकार दसे।